नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के खास बुलेटिन हेलो नव भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल। और बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। ना तो हमने स्नान करे, ना हमने अंगूठा लगाए। सिर्फ एक लाइन के सच ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के झूठ की पोल खोल दी। ट्विटर अकाउंट अनलॉक कराने के लिए कांग्रेस ने ट्विटर को पीड़ित परिवार की तरफ से एक कथित सहमति पत्र दिया था, जिसके बाद ट्विटर ने न केवल राहुल गांधी बल्कि तमाम दूसरे सीनियर कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का अकाउंट अनलॉक कर दिया था। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में बच्ची की मां ने दावा किया कि न तो उनसे सहमति ली गई थी और न किसी कंसेंट लेटर पर दस्तखत कराए गए। ट्विटर विवाद ने कांग्रेस की पहले ही बहुत फजीहत की थी, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के नए खुलासे ने कांग्रेस की मुसीबत और बढ़ा दी है, क्योंकि यह खबर आते ही बीजेपी नेताओं ने एक के बाद एक निशाने साधे। अब जब राहुल गांधी का झूठ सामने आ गया है तो कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर आ गई है। हमने उस परिवार की आवाज को उठाने की कोशिश करी है ताकि उनको न्याय मिल सके। बहरहाल, इस विवाद ने एक बड़ा सवाल और खड़ा किया है कि क्या ट्विटर विवाद की स्थिति में बिना जांच किसी भी सहमति पत्र पर विश्वास कर लेता है, और क्या आप ट्विटर इस प्रकरण पर बयान देगा, क्योंकि अकाउंट अनलॉक करते वक्त ट्विटर प्रवक्ता ने सफाई यह दी थी कि माता पिता की तरफ से सहमति पत्र मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं के अकाउंट अनलॉक किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान में बने हालात पर भारत लगातार नजर बनाए हुए है। इस बीच आज फिर दूसरे दिन सुबह 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा होगी। सीसीएस और केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति तय की जाएगी। इससे पहले कल भी सीसीएस की बैठक हुई थी, जिसमें पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से भारतीयों को सुरक्षित लाने का वादा किया। साथ ही अल्पसंख्यकों को शरण देने की भी बात कही गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। मीटिंग में मौजूद एक वरिष्ठ अफसर के मुताबिक पीएम ने बैठक के दौरान कहा है कि हमें सिर्फ अपने नागरिकों को ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के सिख और हिंदू अल्पसंख्यक जो कि भारत आना चाहते हैं उन्हें भी शरण देनी है। साथ ही हमें उन सभी अफगान भाई बहनों की मदद भी करनी है जो सहयोग के लिए भारत की तरफ देख रहे हैं। हालांकि 250 से ज्यादा लोगों को भारत अभी तक लाया भी जा चुका है और ये काम लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस्लामिक शिक्षा के सेंटर सहारनपुर के देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खुलने वाला है। सिर्फ देवबंद ही नहीं बल्कि 12 जगहों पर सेंटर खोलने के प्लान हैं, जिससे अब यूपी का सियासी पारा चढ़ गया है। इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। देवबंद को अगर एटीएस का कमांड सेंटर बन रहा है तो उसको गलत भाव से कोई अलग प्रकार से नहीं देखा जाना चाहिए। जहां संदिग्ध गतिविधि है वहां पे कमांड सेंटर बनेगा तो इसका वेलकम होना चाहिए, इसके लिए बधाई देना चाहिए, तो और अच्छी बात। आज तक कोई बात नहीं हुई। आप सॉफ्ट टारगेट करने की बात करते हो, ध्रुवीकरण कराना है, चुनाव हो रहा है, चुनाव के लिए ध्रुवीकरण कराना है। आप थाना एक थाना क्यों, 50 थाने को लिए कौन फर्क पड़ता है, सबकी जाँच करिए। सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ सालों में कई ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जिनका सीधा संबंध देवबंद से रहा है। इसी के मद्देनजर सीएम योगी ने मास्टर स्ट्रोक लगाया है, लेकिन उनके राजनीतिक विरोधियों को ये कदम रास नहीं आ रहा है। उन्हें चुनाव में ध्रुवीकरण का डर सताने लगा है। सवाल यही है कि आखिर देश और राज्य की सुरक्षा से जुड़े इस मसले को सियासी चश्मे से क्यों देखा जा रहा है। दक्षिण भारत में बड़ी आतंकी साजिश का भंडाफोड़ हुआ है। केरल के कन्नूर में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएसआईएस से संबंध रखने वाली दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इन दोनों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिहादी विचारधारा फैलाने के आरोप हैं। दरअसल एनआईए ने इस्लामिक स्टेट आतंकी संगठन से जुड़ी
दो महिलाओं को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस के हिंसक और जिहादी विचारधारा का प्रसार करने के साथ ही नए लोगों को इस विचारधारा से जोड़ने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि अमीन और उसके साथी टेलीग्राम, हुप और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आईएसआईएस के कई प्रोपेगेंडा चैनल चलाते थे और इसके जरिए वे आतंकी संगठन की जिहादी विचारधारा का प्रचार करते थे। अब दोनों को गिरफ्तार कर एनआईए पूछताछ में जुटी है, जिसमें कई अहम खुलासे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन के बाद भी आतंकी घटनाएं जारी है। कुलगाम में आतंकियों ने बीजेपी नेता जावेद अहमद डार की गोली मारकर हत्या कर दी। जावेद होमशालीबुग विधानसभा क्षेत्र के पार्टी प्रभारी थे और 2008 से ही बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे। घटना के बाद प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने डार को वतन परस्त बताया और आरोपियों को सख्त सजा दिलवाने का भरोसा भी दिया। वो एक सच्चे हिंदुस्तानी थे, वतन परस्त थे, हमेशा तिरंगा झंडा बुलंद रखते थे। वो कभी इन कायर पाकिस्तानियों से नहीं डरे। कई बार पहले भी उन पर इस प्रकार की साजिशें हुई, लेकिन एक जांबाज सिपाही की तरह, एक सच्चे देशभक्त की तरह उन्होंने हमेशा तिरंगा झंडा दक्षिण कश्मीर में बुलंद रखा। 5 दिन पहले ही राजौरी में बीजेपी नेता जसबीर सिंह के घर आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया था। इस हमले में 2 साल के मासूम वीर सिंह की मौत हो गई थी। उससे पहले भी दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के किसान विंग के नेता और उनकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि घाटी में बौखलाए आतंकी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। भारत के पूर्वोत्तर में कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 1300 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज देने का ऐलान किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के बाद सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने कोविड मैनेजमेंट के लिए पैकेज की जानकारी दी। अगले दिनों में कोविड मैनेजमेंट के लिए और भविष्य में कोविड का सामना करने के लिए 1300 करोड़ से अधिक कोविड रिस्पांस पैकेज के तहत नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट को सहायता दी जाएगी। वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच आने वाले वक्त में टेस्टिंग बढ़ाने पर भी मोदी सरकार का जोर है। केंद्र ने कोविड-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट के निर्यात पर रोक लगा दी है, ताकि भारत में टेस्टिंग किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। यानी कि मोदी सरकार ने कोविड की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी है। बिहार में इन दिनों बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पटना, भागलपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भागलपुर में गंगा, कोसी सहित दूसरी नदियों के रौद्र रूप के चलते एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है, तो कई जगह रेल मार्ग भी बाधित हो चुका है। उधर किउल से जमालपुर भागलपुर मार्ग पर कई जगह पटरियों पर बाढ़ का पानी भरा होने से ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। कहलगांव पीरपैंती के रानी दियारा में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया। नाव में सवार 15 लोगों में से हालांकि 11 को बचा लिया गया है, लेकिन 4 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। इधर गंगा नदी के रौद्र रूप ने पटना सिटी के लोगों को भी परेशान कर रखा है। बाढ़ का पानी मुख्य सड़कों और गलियों में जमा हो चुका है। इसकी चपेट में कंगना थाना चौकी भी आ गई, जिसकी वजह से चौकी के सारे पुलिसकर्मियों को ऊंचाई पर शरण लेनी पड़ी। ऐसे में प्रदेश में हालात का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। एरियल सर्वे में सीएम ने हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत और बचाव काम तेज करने के निर्देश दिए। हालांकि राज्य में बाढ़ से अब हालात कब तक सामान्य होंगे, ये कहना फिलहाल मुश्किल है। और अब हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखिए ओलंपिक खिलाड़ियों को सिर्फ टाइम्स नाउ नवभारत पर। और अब देखते हैं आपके काम की खबरें। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने पेमेंट सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है। अब आप जब भी पैसे भेजेंगे उसमें उससे जुड़े बैकग्राउंड को शामिल कर सकते हैं, यानी कि पैसे के साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी की जन्मदिन पार्टी, रक्षाबंधन या होली पर अगर किसी को पैसा भेज रहे हैं तो उससे संबंधित बैकग्राउंड आप उसमें ऐड कर सकते हैं। जिसे पेमेंट मिलेगा उसे पेमेंट के साथ ही यह बैकग्राउंड भी मिलेगा। व्हाट्सएप ने कहा है कि ये नए बदलाव भारत के लिए डेवलप किए गए हैं। आप परिवार और दोस्तों को भेजे जाने वाले पेमेंट के समय इनका इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह हमेशा एक यादगार पल की याद दिलाएगा। इसे कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर डिजाइन किया है। IRCTC ने रक्षाबंधन के मौके पर महिला यात्रियों के लिए कैशबैक ऑफर शुरू किया है। इसके तहत महिलाओं को ट्रेवल करने पर विशेष कैशबैक ऑफर मिल रहा है। महिला यात्रियों को किराए में छूट दी जा रही है। यह कैशबैक ऑफर लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद मुंबई के बीच चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों की महिला यात्रियों को दिया जाएगा। कैशबैक ऑफर उन महिला यात्रियों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने ऑफर लॉन्च से पहले ही इस यात्रा अवधि के लिए टिकट बुक करा लिए थे। IRCTC आने वाले त्योहारों में प्रीमियम ट्रेनों के यात्रियों के लिए और आकर्षक यात्रा ऑफर शुरू करने की भी योजना बना रहा है। असम के प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर में आज से लोगों को गर्भगृह के दर्शन की इजाजत होगी। इस बात की जानकारी कामाख्या देवालय प्रबंधन समिति ने दी है। समिति ने बताया कि जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है वो गर्भगृह का दर्शन कर सकते हैं। समिति ने यह भी बताया कि हर घंटे केवल 20 लोग ही दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि असम की राजधानी दिसपुर के लगभग 7 किलोमीटर दूर है कामाख्या मंदिर। यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां न सिर्फ देश के लोग बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु देवी के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर हिंदू तीर्थयात्रियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। केंद्र सरकार जल्द ही क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा कदम उठा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक मंत्रिमंडल के सामने रख दिया गया है। सीतारमण ने जानकारी दी कि उन्हें डिजिटल मुद्रा से जुड़े विधेयक को लेकर मंत्रिमंडल की मंजूरी का इंतजार है। आर्थिक मामलों के सचिव की अध्यक्षता में गठित क्रिप्टो करेंसी पर अंतर मंत्रालय समिति के डिजिटल करेंसी से जुड़े मुद्दों पर अध्ययन करने और विशिष्ट कार्यों का प्रस्ताव पेश करने के लिए अपनी रिपोर्ट भी सौंपती है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से जारी किसी भी डिजिटल करेंसी को छोड़कर सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। RBI ने भी केंद्र सरकार को क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी अपनी चिंताओं के बारे में जानकारी दे दी है। हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने कहा था कि RBI चरणबद्ध तरीके से अपनी खुद की डिजिटल करेंसी पेश करने की रणनीति पर काम कर रहा है। भारत सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट की किट के निर्यात पर रोक लगा दी है, जिससे आने वाले समय में भारत में अगर बड़ी संख्या में अर्जेंट बेसिस पर लोगों को टेस्ट करना हो तो हमारे पास पर्याप्त टेस्टिंग किट रहे। जिस दौर में कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, ऐसे समय में भारत सरकार का ये कदम क्या तीसरी लहर के पहले की तैयारी है? क्योंकि भारत की कई विश्वसनीय संस्थानों के द्वारा ये कहा जा चुका है कि अगस्त के अंत से तीसरी लहर की शुरुआत हो जाएगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने 19 मई को रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग करके COVID-19 घरेलू परीक्षण के लिए एक सलाह जारी की थी। सिम्टोमेटिक कोरोना मरीजों के लिए और पुष्टि किए गए कोरोना वायरस मामलों के तत्काल संपर्क में आने वालों के लिए घरेलू परीक्षण की सलाह दी गई थी। हालांकि अब भारत सरकार ने इसके निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। और काम की खबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से कतर पहुंचे अमेरिकी विमान में मानव अंग मिले हैं। C-17 ग्लोब मास्टर के व्हील वेल में मानव अंग मिले हैं। आपको बता दें कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी ग्लोब मास्टर की उड़ान भरने से पहले कई लोग जहाज पर चढ़ गए थे और कुछ लोग छिप भी गए थे। उसके बाद प्लेन में उड़ान भरने पर दो लोगों की गिरकर मौत हो गई थी। अब जब विमान कतर पहुंचा तब वहां पर विमान के व्हील वेल में मानव अंगों के हिस्से मिले। C-17 ग्लोब मास्टर ने जब उड़ान भरी, वो उड़ान जब भरी गई तो उसके साथ साथ कई लोग ऐसे थे जो विमान से चिपके हुए थे, कोई टायर से चिपका हुआ था। ये वो तस्वीरें हैं जब विमान में चढ़ गए थे लोग, जो व्हील है, जो पहिया है, उससे चिपक गए थे लोग, वहां पर खड़े थे, पकड़े हुए थे और उसके बाद जब हवा में विमान पहुंचा तो ये लोग गिरे। ये तस्वीरें और जब ये पहुंचा है विमान तो वहां जब चेक किया गया तो मानव अंग मिले। तो देखिए, अब तक की सबसे खतरनाक तस्वीर यही आई थी अफगानिस्तान से कि किस तरह से लोग मशक्कत कर रहे थे कि किसी तरह फ्लाइट में उन्हें जगह मिल जाए, लेकिन देखिए जब जगह नहीं मिली तो आसपास के जो हिस्से थे, टायर थे इंजन के पास, किस तरीके से यहां पर लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों तस्वीरें हैं और दोनों ही तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या आलम रहा होगा, क्योंकि जब ये टेक ऑफ कर रहा था, यानी कि जब उड़ान भरने के लिए रनवे पर ये फ्लाइट, ये विमान दौड़ रहा था, लोगों को आप देखिए कोई टायर पर चिपका हुआ है, टायर के ऊपरी भाग में जो हल्का सा एक उठान सा भाग होता है वहां पर थे कुछ लोग। हो सकता है कि जब रनवे पर दौड़ रहा तो टायर के नीचे आ गए और उनके शरीर के अंग भी। और अब जब कतर विमान पहुंचा, जांच की गई तो पता चला कि कई मानव अंग मिले हैं व्हील वेल में।
और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान मुद्दे पर मोदी सरकार अलर्ट पर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर से बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। जी हां, भारतीयों को लाने समेत कई मुद्दों पर मंथन किया जाएगा और कल भी सुरक्षा से जुड़े मसलों पर चर्चा की गई थी। तो सुरक्षा के मसले पर लगातार चर्चा की जा रही है, आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, सीसीएस की बैठक है। राजनयिकों को, दूतावास में काम करने वाले अधिकारियों को लाया जा चुका है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या है एक भारतीय नागरिकों की जो अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, और बहुत से लोग टाइम्स नाउ न भारत के साथ जुड़े भी, और उन्होंने भी कहा कि वो बहुत मुश्किल स्थितियों में हैं। ऐसे में उनको चाहिए कि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जाए। उनकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार पर टिकी हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज। तो देखिए, लगातार भारत सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाया जाए, और इसी के तहत ये अहम बैठक बुलाई गई है। देखिए, सीसीएस बैठक में आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में भारतीयों को लाने समेत कई और भी मुद्दे हैं जिस पर मंथन किया जाएगा। संभवतः अफगान पॉलिसी, अफगान नीति क्या होगी, तालिबान को लेकर रुख क्या रहेगा भारत सरकार का, इस पर भी चर्चा हो। लेकिन फिलहाल अभी जो प्राथमिकता नजर आ रही है वो ये है कि कैसे वहां से निकाला जाए सभी नागरिकों को। रोजाना जो फ्लाइट से वहां से आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, रविकांत हमारे संवाददाता खबर पर डिटेल जानकारी आपको देंगे। रविकांत, सीसीएस की बहुत महत्वपूर्ण बैठक, कितने बजे बैठक शुरू होगी, क्या क्या चर्चा होगी? देखिए राजीव, कल भी सीसीएस की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े जो सीसीएस के मेंबर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया था। आज दोबारा कैबिनेट की बैठक से ठीक पहले 11 बजे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है, और इस बैठक में अफगानिस्तान में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर किस तरीके से वहां से इवैक्यूएट किया जाए, इस पर सबसे महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। इसके साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण चर्चा ये भी हो सकती है, हालांकि रिटर्न एजेंडा अभी कैबिनेट का नहीं आया है, लेकिन चर्चाएं इस बात को लेकर हैं कि अफगान में तालिबान का सत्ता आने के बाद किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, खासतौर पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, इस बात को लेकर आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में चर्चा होगी, और भारत को कौन कौन से वो मेजर्स उठाने होंगे जिससे वो अपने बॉर्डर्स को और आतंकवाद जैसी तमाम घटनाओं को भारत में होने से रोके, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पाकिस्तान, चीन और रशिया का सपोर्ट जो है तालिबान को मिल रहा है, और आतंकवादी गतिविधियां वैली में ना ज्यादा बढ़े, इस बात को लेकर भारत सरकार और सिक्योरिटी के जो तमाम एजेंसियां हैं वो चिंतित हैं। इस पर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है और ये बैठक 11 बजे शुरू होगी। चलिए ठीक है रविकांत, बहुत शुक्रिया आपका, लगातार आगे भी इस बैठक को लेकर के अपडेट आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की अध्यक्षता में आज यूएनएससी की भी बैठक होने वाली है। खुली चर्चा की अध्यक्षता करने वाले हैं भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्हीं की अध्यक्षता में बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। तो देखिए, रक्षकों की रक्षा पर चर्चा की जाएगी, अफगान संकट के बीच यूएन सुरक्षा परिषद में मंथन किया जाएगा। कल आतंकवाद के मुद्दे पर खुली बहस होगी, और इससे पहले आपको बता दें कि यूएनएससी की बैठक में ओपन डिबेट, एक ओपन चर्चा होने वाली है। ये बहुत महत्वपूर्ण रही क्योंकि सबकी निगाहें यूएनएससी पर है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर है। और देखिए, देश कोई भी हो, सभी के लिए आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा रहा है जिसको लेकर के तमाम लोग ओपन डिबेट करेंगे। यूएनएससी की बैठक खुली चर्चा की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर करने वाले हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में रक्षकों की रक्षा पर चर्चा की जाएगी। रक्षकों की रक्षा करनी है, यानी कि हमारे जवानों की भी रक्षा करनी है, जो मिलिट्रीज हैं उनकी भी रक्षा करनी है, तो रक्षकों की रक्षा पर मंथन होने वाला है और खुली चर्चा है, एक ओपन डिबेट है जहां पर सभी होंगे और सभी चर्चा का हिस्सा बनेंगे। आपको बता दें कि अगस्त के इस महीने में भारत अध्यक्षता कर रहा है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की, और इन्हीं बैठकों का हिस्सा बनने के लिए विदेश मंत्री पहुंचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी तालिबान को मान्यता नहीं देगा यूरोपियन यूनियन, ये भी एक बड़ी खबर आपको देते हैं कि यूरोपियन यूनियन अभी तालिबान को मान्यता नहीं देगा। जी हाँ, तालिबान से बातचीत करेगा यूरोपीय संघ, नागरिकों को सुरक्षित निकालने पर चर्चा की जाएगी। यूरोपियन यूनियन के विदेश मंत्रियों के बीच में एक बैठक हुई और ये बैठक इमरजेंसी बैठक हुई, आपात बैठक हुई, और तालिबान से बातचीत करने पर जोर रहेगा, और जोसेफ बोरेल ने ये जानकारी दी है।
तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूके विदेश मंत्री के बीच चर्चा हुई, तालिबान से बातचीत करने पर जोर दिया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है कि अब देखो तालिबान ने सत्ता संभाल ली, अब उनके शासनकाल में किस तरीके का माहौल रहने वाला है उसको लेकर के बातचीत बहुत जरूरी है। फिलहाल तालिबान को यूरोपियन यूनियन से इसको झटका जरूर माना जाएगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन बारीकी से मॉनिटर करेगा अफगानिस्तान में क्या हलचल है, अफगानिस्तान में प्रोग्रेस क्या है, तालिबान शासन किस तरह से कर रहा है, मानव अधिकारों का ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है, और बहुत सारे आधार, बहुत सारी चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि ईयू कोई निर्णय ले। प्रदीप दत्ता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये बहुत जरूरी हो जाता है कि तालिबान के शासनकाल में अब किस तरीके की गतिविधियां रहने वाली अफगानिस्तान में। देखिए सभी अगर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुल्क हैं सभी को एक ही परेशानी है कि तालिबान के होते हुए वो मुल्क एक बार फिर से आतंकवादियों का एक अड्डा बन जाएगा, जैसे कि पास में भी देखा गया जब 1996 से 2001 तक तालिबान का राज था, उस समय ओसामा बिन लादेन को तोरा बोरा में एक सेफ हेवन प्रोवाइड किया गया था, एक सेफ शेल्टर प्रोवाइड किया था मुल्ला उमर की तरफ से। तो यूरोपियन यूनियन का भी यही कंसर्न है कि वो चाहते हैं कि तालिबान के होते हुए अफगानिस्तान की जमीन एक बार फिर से आतंकवादियों के लिए एक सेफ अड्डा ना बने, और दूसरी चीज वो चाहते हैं कि जो सभी जो वुमेन हैं उनको फंडामेंटल राइट्स बेसिकली दिए जाएं, क्योंकि औरतों के साथ जो बदसलूकी होती है ये तालिबान के राज में वो हर एक ने देखी हुई है, किस तरीके से उन्हें खुलेआम संसार किया जाता था, मार दिया जाता था, पथराव किया जाता था, और उनको हकूक उनसे छीने जाते थे, और सबसे ज्यादा अगर किसी ने परेशानी उनके दूर में झेली है तो वो औरतें हैं। इसलिए यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि औरतों को पूरे हकूक मिलने चाहिए, उनके पूरे फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, ये एक यूरोपियन यूनियन ने कहा है, तो तभी उनके साथ बातचीत हो सकती है। वजह यह परेशानी का आलम यह है कि इस समय तालिबान जंग जीत चुका है तो कोई और ऑप्शन भी नहीं है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के पास अदर देन कि उनके साथ एक डायलॉग प्रोसेस इनिशिएट करना पड़ेगा। डायलॉग इसलिए जरूरी है, एक तो अभी बहुत सारे लोग वहां पे हैं जिसको इवैक्यूएट करना है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के हैं, चाहे वो भारत के हैं, चाहे वो अमेरिका के नागरिक हैं, उन नागरिकों को वहां से निकालना है, इसीलिए वे डायलॉग चाहते हैं कि उनके साथ बना रहे, बातचीत होती रहे, ताकि अपने लोगों को इवैक्यूएट भी कर सके, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी संज्ञान दिया जाता है, साथ साथ उनको ये भी कहा जाता है कि आप बहुत बहुत शुक्रिया इस खास जानकारी के लिए।